हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी करिकुलम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि कंडक्ट करवाता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। साथ ही साथ अब तक के जितने भी T20 वर्ल्ड कप विनर रहे हैं, रनर अप रहे हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ नेवर वॉन द T20 वर्ल्ड कप। ऐसी कौन सी टीम है जिसने आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हेल्ड। पहला एडिशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ था, और ये पहला ईयर था 2007 में। फर्स्ट एडिशन हमारा 2007 में हुआ था, और इसका जो विनर कंट्री थी वो थी इंडिया, और रनर अप थी पाकिस्तान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया ने अपना सेकेंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल को जीता है आफ्टर 2007। पहला एडिशन हुआ था, पहला टाइटल इंडिया ने 2007 में जीता था, और उसके बाद 17 इयर्स के बाद इंडिया ने फिर से दोबारा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल हासिल किया है, और फर्स्ट टाइटल 2007 में जीता था। अब हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको आप MCQ की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो डेट की बात करें कि कब से कब तक T20 वर्ल्ड कप हेल्ड हुए हैं, तो 1 जून से लेके 29 जून तक T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी हमारी 20, और 55 मैचेस हुए हैं। होस्ट करने वाली कंट्रीज थी USA एंड वेस्ट इंडीज। विनर जिसे आप चैंपियन कह सकते हैं वो रही है इंडिया, रनर अप कंट्री रही है साउथ अफ्रीका, और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो वो जसप्रीत बुमराह थे, और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड कप होस्ट होगा 2026 में, जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसको होस्ट करने वाली कंट्रीज़ का नाम है इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, और MCQ की टाइप्स में पूछा जाएगा तो आई होप आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्ट दी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया है, उसी को मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा है कि कौन सी कंट्री थी जिसने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को हेल्ड किया है या होस्ट किया है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, USA एंड बोथ ANC। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज एंड USA, बोथ ANC। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, होस्ट कराता है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 15 जून 1909 में। इसका हेड क्वार्टर है दुबई, UAE। CEO हैं इसके जेफ अलरडाइस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। चेयरमैन हैं ग्रेग बार्सले, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका जो मोटो है वो है क्रिकेट फॉर गुड।
मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 108 मेंबर्स हैं। तो अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितने वर्ल्ड कप हुए हैं और कौन सी कंट्री कहाँ कब जीती है, कौन सी कंट्री रनर अप रही है और साथ ही किस कंट्री ने होस्ट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे 2007 के बारे में। 2007 में हम जानते हैं इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, विनर रही थी और रनर अप रही थी पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज और टॉप स्कोरर आप खुद पढ़ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये तीन लाइंस हैं कि आपको ये याद रखना है कि विनर कौन रहा है, रनर अप कौन रहा है और साथ ही वेन्यू कहां पे हेल्ड हुआ था। 2009 में फिर से वर्ल्ड कप होता है तो उसमें पाकिस्तान जीतता है और जो श्रीलंका है वो रनर अप कंट्री रहती है। साथ में हम इसको वेन्यू भी देखते चलेंगे कि कहाँ पे होस्ट, कहाँ पे वो कंट्री, कहाँ किसने होस्ट किया था। तो 2007 में साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया एंड जो 2009 वाला था वो इंग्लैंड ने होस्ट किया था। फिर 2010 में इंग्लैंड विनर होती है और ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहती है। इसको वेस्ट इंडीज़ ने इसको होस्ट किया था, इसका वेन्यू वेस्ट इंडीज़ में था। नेक्स्ट है 2012 का, तो इसमें वेस्ट इंडीज जीतता है और श्रीलंका रनर अप कंट्री रहती है और ये मैच कहाँ पे होता है, श्रीलंका में। 2014 में श्रीलंका जीतती है और इंडिया रनर अप कंट्री रह जाती है। बांग्लादेश में इसका वेन्यू होता है। 2016 में वेस्ट इंडीज विनर होती है और इंग्लैंड रनर अप कंट्री रहती है। इंडिया, ये जो 2016 वाला है इसमें जो इंडिया है वो होस्ट करती है मैच को। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में विनर होती है, न्यूजीलैंड रनर अप कंट्री और यूएएन ओमान में होता है। 2022 में इंग्लैंड जीतती है, पाकिस्तान रनर अप कंट्री रह जाती है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया इसे होस्ट करता है। और 2024 का हमने अभी डिस्कस किया है, आई होप आपको याद होगा। और अब हम देख लेते हैं हमारे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो विराट कोहली हैं वो दो बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, एक बार 2014 में और एक बार 2016 में। इन दोनों में ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। फिर विराट कोहली 2014 में टॉप रन स्कोरर भी रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 2014 में, और उसके बाद टॉप रन स्कोरर 2022 में विराट कोहली रहते हैं। तो आई होप आपको T20 वर्ल्ड कप से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अब कोई क्वेश्चंस नहीं रह गए होंगे। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।